देखिए, जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ढूंढ रहे थे कि साईं बाबा किसको बनाए, बहुत परेशान थे, तो एक दिन मैंने इनसे कहा, परेशान ना होइए, ज़रा मुझको गौर से देखिए। और उन्होंने मुझे गौर से देखा, कहने लगे, आपकी तो शक्ल भी मिलती बाबा से। मैंने कहा कि वो मुझे छोटे बाबा कहा करते थे, मैं उनके बहुत नज़दीक था, 55 साल से हम बाबा को जानते हैं। तो आज देखिए, रंग लाई बात, छोटे बाबा मुझे कहते थे और छोटे बाबा ही बन गए, मुझे रोल भी मिल गया। ये तो ये फिल्म आज दुनिया देखेगी, इसका मज़ा लेगी। साधिका हमारे साथ हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा इसमें रोल किया है। ये जैकी श्रॉफ की वाइफ बनी है और ये बाबा की भक्त होती हैं, जैकी श्रॉफ नहीं होते हैं। बाद में जब जैकी श्रॉफ को पता लगता है कि भाई बाबा जो हैं वो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो वो भी बाबा के भक्त बन जाते हैं। अनुज जी, कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जब आपकी मुलाकात हुई थी सत्य साईं बाबा से, कैसा अनुभव हुआ और किस तरह से देखते हैं उस मेमोरी को आप? मैं उनकी सेवाओं को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ। बाबा सबका भला तो करते ही हैं, लेकिन सेवाएँ बहुत करते हैं। वो जो हार्ट हॉस्पिटल बनाया है उन्होंने कुटपर्थी में, वहाँ पर एक दरवाज़े से जाइए, बाईपास कराइए, दूसरे दरवाजे से निकल जाइए, वहाँ पर कोई बिलिंग सेक्शन नहीं है। ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो इतने बड़े बड़े काम जो इन्होंने किए हैं, उसके लिए हम बाबा को नमन करते हैं। मैं आपको कैसा महसूस कर रहे हैं इस फिल्म का हिस्सा होकर और जो रोल निभा रहे हैं? ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ अब जाके हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, क्योंकि हम सब ने बहुत दिल से ऑब्वियसली काम किया था। और मैं वैसे भी साईं बाबा की भक्त हूँ और सत्य साईं बाबा भी उन पे भी मुझे बिलीव था, तो बहुत अच्छा लग रहा है अब फिल्म रिलीज़ हो रही है, हम सब साथ हैं, फिर से हम मिले इतने सालों बाद, और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है। तो मुझे अपने रोल के लिए कहना है, क्योंकि मैं खुद एक बिलीवर हूँ, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन साईं बाबा एंड सत्य साईं बाबा। सो ऑफकोर्स मुझे ये फिल्म करते हुए भी बहुत अच्छा लगा था, और आज तो उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है, और स्पेशली अनूप जी के साथ काम करके, जैकी जी के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल, आपसे मैं चाहूँगा, अनूप जी ने अपना बहुमूल समय दिया इस प्रोजेक्ट के लिए, उसके बारे में बताइए, और सत्य साईं बाबा। थैंक यू। जब हम पहली बार हमने गाना रिकॉर्ड किया था, तो अनूप जी को भजन गाने के लिए बुलाया था, तो हम साईं बाबा ढूंढ रहे थे, तो अनूप जी से बात हुई थी, तो अनूप जी ने बोला कि आपको मैं क्या लगता हूँ। तो हमने देखा, यार, मैं बोला आप कुछ सिमिलर तो लगते हैं, तो अरे बोले भाई, 50 साल तक मैं उनके साथ में था, तो बोले अनूप जी अपन एक ट्रायल करते हैं, विग बनाते हैं और एक लुक टेस्ट करते हैं। तो फिर हमने जो है एक लुक टेस्ट किया, तो बिल्कुल सामने जो है बिल्कुल एक सत्य साईं बाबा जो है सामने खड़े थे, और हमें काम करने में इतना मज़ा आया, क्योंकि अनूप जी जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज जानते थे, उनको उनके साथ रहे हुए हैं, तो हमें काम कराने में इतनी आसानी हुई कि ऐसा लगता था जैसे साईं बाबा ही साथ चल रहे हैं उनके और काम कर रहे हैं। तो ये बहुत मज़ा आया, और बड़े चमत्कार हुए हमारे शूटिंग के दौरान भी, जो हमने महसूस किया। और जब हम पहली बार हम बेंगलोर गए, तो हमको शूटिंग के लिए मना कर दिया था कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे अंदर। तो हमने सोचा बाबा की अगर बायोपिक बना रहे हैं, और मैं प्रोड्यूसर साहब, हमारे राइटर साहब शर्मा जी और बालकृष्ण जी साथ में थे, तो हमने फिर डिस्कस किया यार कि चलो वापस बैग पैक करके वापस निकलते हैं बॉम्बे, क्योंकि यहाँ परमिशन ही नहीं है, तो फिल्म बना के क्या करेंगे। तो रात को 11 बजे फ़ोन आया कि नहीं, आप सुबह आके मिलिए, आप यहाँ शूटिंग कर सकते हैं। और हम बाबा को बोल के आए थे दरबार में कि फिल्म बनेगी तो आप परमिशन दोगे तभी बनेगी। मैं बोला अगर आप हैं
तो हमें परमिशन मिलेगी, नहीं तो हम चले। और ये चमत्कार हुआ, 11 बजे फ़ोन आया, आप सुबह आके मिली और हमने जो है शूटिंग की, फिर वहाँ पे इस तरह से हमारी शूटिंग शुरू हुई। और जब बनु जो का जैकी श्रॉफ वगैरह, लंबी स्टोरी कास्टिंग है इसके अंदर, सब एक्टरों ने बहुत मेहनत की है इसके अंदर, बहुत अच्छी फिल्म बनी। तो आप देखें, बहुत बड़ा सहयोग भी है और योगदान है। हमारे साथ प्लेबैक सिंगर मधुश्री भी यहाँ पर हैं, तो मधुश्री बहुत अच्छी गायिका हैं, सब जानते हैं, बाहुबली और कितने कैसी कैसी फिल्मों में, बड़ी बड़ी फिल्मों में इन्होंने गाया है। तो हमें बहुत खुशी है कि आप आज पधारी हैं, वेरी नाइस। और मैं ये कहना चाहूँगी, आज मैंने साईं बाबा को दर्शन किया। साधिका, यहाँ ये पीछे ना रखिए। आज मैं साईं बाबा को दर्शन किया, साक्षात दर्शन किया। मैं पहले जो साईं बाबा थे, मैंने कभी दर्शन नहीं किया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि साईं बाबा को दर्शन किया। अनुप जी इज ए ग्रेट सिंगर, ग्रेट ह्यूमन बींग, इतना अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है। मुझे खुशी आप सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, बहुत बहुत शुभकामना। मैम आप रुके रहिए एक सेकंड, आपका अकेले का शूटिंग के दौरान भी बहुत ही अच्छा अनुभव इसलिए था क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ी बिलीवर हूँ साईं बाबा की, और ऑब्वियसली सत्य साईं बाबा उन्हीं के एक वन ऑफ इज रीबर्थ माने जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था शूट के वक्त भी, और आज भी इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारी फिल्म आफ्टर सम ईयर्स रिलीज़ हो रही है। और अनूप जलोटा जी जैसे इतने अच्छे और बड़े सिंगर जिनको मैं बचपन से सुना करती थी, उनके साथ काम करने का मौका मिला, जो कि खुद सत्य साई बाबा बने हैं। और आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि वो कितने ज़्यादा लगते हैं कि सत्य साई बाबा जैसे ही लगते हैं। और फिर जैकी जी के साथ काम करने का मौका मिला, सेकेंड टाइम मैंने उनके साथ भी पहले भी फिल्म की थी। और विकी रानावत जो कि डायरेक्टर हैं उनके साथ, फिर सचिंद्र शर्मा जो कि इस फिल्म के राइटर हैं, तो मतलब पूरी टीम के साथ काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। मेरे ख्याल में सत्य साई बाबा की जो ये फिल्म बनी है वो बहुत ही अच्छे सोच विचार के साथ बनी है। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि हमारे प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके एक आम आदमी भी सत्य साई बाबा को भगवान के रूप से देखा करता था, उनके काफ़ी सारी चीज़ों से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो लोग उनको, उनकी श्रद्धा लोगों की इतनी बसी हुई थी कि लोग उनको हमेशा याद करते रहेंगे। और एक जाना पहचाना, एक जानी पहचानी हस्ती है वो हमारे हिंदुस्तान की। और इन्होंने जब ये चीज़ का प्रपोज़ल रख के इन्होंने किया अगर ये काम, और कामयाबी से अभी उसको प्रीमियर है इसका आज। और अनूप जलोटा जी तो मेरे ख्याल में उन्हें बहुत अच्छा, एक हिसाब से कहते हैं छोटे साई बाबा हैं और लगते ही साई बाबा की तरह हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा है कि सत्य साई बाबा की फ़िल्म हमारी पूरी प्रार्थना है और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि ये फिल्म हर एक इंसान उसको जाके थिएटर में देखे। और इस चीज़ को जो उन्होंने बनाकर बोलने की कोशिश की है, उस चीज़ को वो अपने तरीके से समझें और इसको बहुत ही सक्सेस दें, ये हमारी दिली कामना है। सर, आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के पार्ट होके? सर, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि या तो सलमान या भगवान, तो बॉलीवुड में मेरे साथ भगवान जुड़े हुए हैं। माई फ्रेंड गणेशा, मैं कृष्णा हूँ, शिरडी के साईं बाबा, उसके बाद ये सत्य साईं बाबा। तो ये सत्य साईं बाबा से जुड़ने का मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि साईं बाबा के एज राइटर जो है बायोपिक, और अनूप जलोटा जैसे कलाकार, कि अनूप जी मिले और अनूप जी ऐसे लग रहे हैं जैसे सचमुच साईं बाबा के करीब है। और अनूप जी ने बहुत गाइड किया, अनूप जी ने ही बताया, और सारे बुक जो है अनूप जी ने बताया था, उसके हिसाब से पढ़ करके जो लिखा हमने, एक जीवन को उतारा है, लोगों को पसंद आएगा। बीच में जाइए। सर, जानना चाहूँगा अनूप जी के बारे में, जो इतने महान पर्सनैलिटी का एक चरित्र निभाने के लिए, उनके बारे में और सत्य साईं बाबा के बारे में जनरल आप कहना चाहेंगे? भाई, अनूप जी के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि सारे देवी देवता इनको पर्सनली जानते हैं। इतने इन्होंने भजन गाया कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कहावत है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, और इनके लिए कि पहले प्रभु के गुण गाओ फिर दाल रोटी खाओ, पहले प्रभु के गुण गाओ फिर दाल रोटी खाओ। तो अनूप जलोटा जी के बारे में क्या कहूँ, हमारे पास में अगर हॉलीवुड में MJ है तो हमारे पास AJ है, अनूप जलोटा। तो
एमजे माइकल जैक्सन वहाँ पर है, तो ये हमारे डिवाइन डिवाइन इंडियन माइकल जैक्सन स्पिरिचुअल, जहाँ भी जाते हैं छा जाते हैं, जिस रूप में भी गज़ल गवा लो इनसे, इनसे एक्टिंग करवा लो, इनसे फिल्म करवा लो, बाय नेचर भी ये गुरुओं के गुरु हैं, इसलिए शायद सदगुरु साईं बाबा जी के कैरेक्टर में इनको सर ने लिया है सबने। और ये बहुत ही एकदम, मैं तो पहली बार पहली झलक देखा तो मुझे लगा कि सत्य साई बाबा ही है, ये पहचान ही नहीं आता। तो सर आपका जो पर्सनैलिटी हो, आपको क्या लगता है, आप भी अगर आपको कैरेक्टर प्ले करना रहे तो किस कौन सा ऐसा हस्ती होगा जिस पे आपको कैरेक्टर? मुझे सत्य साई बाबा की जी का चेला बनने का, भक्त बनने का कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है पार्ट टू के लिए। हाँ पार्ट टू के लिए मुझे, अगर क्योंकि उनके जो भक्त है एआर रहमान है, उनके भक्त जो है सचिन तेंदुलकर है, उनके भक्त अंबानीज हैं, तो इनमें से कोई भी भक्त मुझे बना दो मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम इनमें से कोई भी भक्त मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सत्य साईं बाबा का आशीर्वाद मुझे। लव यू ऑल। भाग्यशाली हूँ कि आत्मन फिल्म से ये प्रोड्यूस हो रही है और वो आत्मन फिल्म मेरी है। इतने दुनिया के फेमस जो लोग जिनको भगवान मानती है, ऐसे साईं बाबा की फिल्म करने के लिए हमको एक चांस मिलता है, वो हमारे लिए भाग्यशाली है। और मैं देख रहा हूँ लोगों में काफ़ी खुशी है कि बाबा की फिल्म हमको देखने को मिलेगी, बाबा क्या थे जानने का हमको मौका मिलेगा। और आज गुजरात में और बिहार में हमारी फिल्म प्रोड्यूस हुई है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, और बाकी स्टेट में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और बाबा जी बिल्कुल हमारे पे संतुष्ट होके बिल्कुल अच्छी फिल्म चलेगी, लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि बाबा जी के बारे में क्या है क्या नहीं। ये हम भाग्यशाली है कि हमको ये फिल्म करने को मिली है। जी के जो बाबा है उनके बारे में बहुत अच्छा वो है इंसान थे, जो एक्सपायर होने के बाद ही हमने प्रोजेक्ट को संभाला है, और अनूप जी इस कैरेक्टर में बहुत फिट बैठे, इसलिए अनूप जी को हम लोगों ने इस फिल्म में कास्ट किया, और फिल्म बहुत अच्छी बनी। आज तो बहुत खुशी का दिन है कि आज बहुत दिनों बाद पिक्चर हम लोगों की रिलीज हो रही है, और ये बाबा के आशीर्वाद से ही फिल्म रिलीज हो रही है। काफ़ी सारे थिएटर से लगी है फिल्म, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि फिल्म बिजनेस आना चल नहीं रहा है, तो क्या समझेंगे वो कितना बड़ा अचीवमेंट आपके लिए? सर ये मैं उस फेथ को फेथ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से फिल्म रिलीज किया है, और जैसा बाबा करेंगे वैसा बहुत अच्छा करेंगे। और आगे क्या प्लानिंग है, क्या लाने वाले हैं दर्शकों के लिए? बस जल्दी ही कुछ ना कुछ जल्दी ही खबर मिलेगी आप लोगों को।